दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेविंग बैंक अकाउंट बचत के पैसे को सुरक्षित जमा रखने के लिए होता है और सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखना निवेश नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें पैसे जमा रखने से हमें ना के बराबर बहुत ही थोड़ा ब्याज मिलता है। और हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा रखने से हमें कोई खास लाभ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम सभी सेविंग बैंक अकाउंट में ही अपने पैसे की बचत करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे हम अपने किसी भी जरूरत के समय या इमरजेंसी के समय तुरंत निकाल सकते हैं, जबकि अगर इन पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया तो उस इन्वेस्टमेंट के लॉक इन पीरियड की वजह से हमें पैसे निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इंस्टेंट कैश लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए अक्सर हम उन पैसे की बचत सेविंग बैंक अकाउंट में ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2 महीने बाद अपने बच्चे की 60,000 रुपए की स्कूल फीस भरनी है, तो अक्सर आप इस 60,000 रुपए को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ही जमा रखेंगे, ताकि आप 2 महीने बाद अपने बच्चे की स्कूल फीस भर सकें। और जब आप 2 महीने बाद इस 60,000 रुपए को अपने सेविंग बैंक अकाउंट से निकालेंगे, तो आपको वही अपने 60,000 रुपए बैंक से मिलेंगे और आप उस पैसे को निकालकर स्कूल फीस भर देंगे। ज्यादातर केस में इस तरह के पैसे जो सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं, उसमें बहुत थोड़ा ही ब्याज मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इस 60,000 रुपए को 2 महीने के लिए किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया गया होता, तो उस डेट लिक्विड फंड से इतना लाभ जरूर हो जाता कि आप अपने बच्चे की फीस 60,000 रुपए भरने के अलावा उसके लिए एक छोटा मोटा गिफ्ट या कुछ एक्स्ट्रा बुक जरूर खरीद सकते थे और आपका बच्चा अपना मनपसंद गिफ्ट पाकर काफी खुश हो सकता था। जबकि आपको अपने बच्चे को इस तरह का गिफ्ट देने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने थे, बल्कि आपको सिर्फ छोटा सा काम ये करना था कि उस 60,000 रुपए को जो आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखे थे, उसे वहां रखने की बजाय आपने किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया होता। जी हाँ, आपके इस तरह की एक छोटी सी कोशिश से आपको अपने इस पैसे पर जो लाभ होता, और उस लाभ से आप जो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदते, इससे आपका बच्चा भी खुश हो जाता, और जब भी बच्चा खुश होता है तो माँ बाप ऑटोमेटिकली ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर हम अपने पैसे को सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में ही रखते हैं। जैसे 4 महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर शादी होने वाली है, तो अक्सर हम उस पैसे को भी सेविंग बैंक अकाउंट में ही रखते हैं। घर का कोई रिपेयर या रिनोवेशन का काम करना है, या कोई दूसरा स्पेशल काम है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई किस्त भरनी है, या फिर मान लो कि आप अपना कोई मनपसंद शेयर खरीदना चाहते हो, लेकिन आज उसका भाव मार्केट में ज़्यादा है, तो ऐसे में आप वेट करते रहते हैं कि जब उस स्टॉक का भाव नीचे आएगा तब आप उसे खरीदेंगे, और तब तक आप अपने सेविंग के पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं। लेकिन जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा, अगर आप थोड़ी कोशिश करते और सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े हुए एक्स्ट्रा पैसे को अगर काम पर लगा देते और उसे किसी लो रिस्क वाले लिक्विड डेट फंड में निवेश कर देते, तो आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट से लगभग डबल और फिक्स डिपॉजिट के लगभग बराबर लाभ हो सकता था। और लिक्विड डेट फंड की खास बात यह है कि आप इस पैसे को जब चाहें निकाल सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड क्या है, और क्यों आपको अपने एक्स्ट्रा पैसे जो आपको कुछ दिनों बाद काम में लगने वाले हैं, उन पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखने की बजाय किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, लिक्विड फंड एक डेट म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। खास बात यह है कि लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं किया जाता, बल्कि डेट म्यूचुअल फंड का पैसा किसी सरकारी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी या फिर ऐसे ही सिक्योरिटीज और 91 डेज के शॉर्ट टर्म पर बड़े कंपनियों को लोन देकर ब्याज का लाभ कमाने वाले इन्वेस्टमेंट में निवेश किया जाता है। और इसलिए भले ही डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड से आपको किसी दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में कम लाभ मिले, लेकिन इस फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। लिक्विड फंड में निवेश किए गए पैसे के ऊपर लाभ मिलने की लगभग पूरी गारंटी होती है। लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड काफ़ी लो रिस्क वाला सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, लिक्विड फंड का पैसा पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सुरक्षित सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है, जहां से इस फंड को ब्याज का लाभ मिलता रहता है, और वही ब्याज का लाभ ये हमें रिटर्न के रूप में देता है। तो दोस्तों, जैसा आपने शुरुआत के एग्जांपल में देखा कि अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, जिनकी ज़रूरत आपको कुछ समय बाद या फिर अगले 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने बाद होने वाली है, या फिर आप श्योर नहीं हैं कि जो पैसे आपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखे हैं उनकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में कब पड़ेगी, और अनसर्टेनिटी की वजह से आप उस पैसे को
किसी तरह के निवेश में जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको यही सलाह देगा कि आप ऐसे पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखने की बजाय किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें। और ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश कर देने पर आपको सेविंग बैंक अकाउंट की तुलना में बेहतर लाभ भी मिल जाता है और आप उसे जब चाहें अपनी ज़रूरत के अनुसार निकाल भी सकते हैं। लिक्विड फंड की खास बात यही है कि इसमें पैसे जमा करने और निकालने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती और इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट यानी FD या रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD की तरह किसी तरह की कोई निश्चित समय के लिए पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह अगर आप देखें तो आप जो पैसा लिक्विड फंड में जमा करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में सेविंग बैंक अकाउंट की तरह से ही पड़ा रहता है, जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हैं और आप इस लिक्विड म्यूचुअल फंड में जमा पैसे के ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट की तुलना में ज़्यादा लाभ भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप समझ चुके हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और किस तरह आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े एक्स्ट्रा पैसे को लिक्विड म्यूचुअल फंड में जमा करके लो रिस्क के साथ सेविंग बैंक अकाउंट की तुलना में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप आसानी से अभी कुछ ही मिनटों में अपने मोबाइल से घर पे बैठे बैठे किसी अच्छे लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने मोबाइल पर Easyplan ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप Easyplan ऐप के ज़रिए कुछ ही मिनटों में तुरंत ICICI Prudential लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। Easyplan ऐप कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल करके कैसे आप अपने किसी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सिर्फ 100 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि Easyplan ऐप कैसे काम कर सकता है और आप Easyplan ऐप के ज़रिए कैसे आसानी से तुरंत निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर बात करें कि Easyplan ऐप के ज़रिए जो पैसा आप ICICI Prudential लिक्विड डेट फंड में निवेश करते हैं उस पर आपको क्या रिटर्न मिल सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फंड ने पिछले 13 साल में एवरेज 7.2% का पर ईयर रिटर्न दिया हुआ है, जो अगर आप देखें तो सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा और लगभग फिक्स डिपॉजिट के जैसा ही है। तो दोस्तों, आई होप कि आप ये ज़रूर समझ पाए होंगे कि किस तरह आप सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े हुए एक्स्ट्रा पैसे को लिक्विड फंड में निवेश करके उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लाभ कमा सकते हैं और ख़ास बात यह है कि उसे आप जब चाहें तब निकाल भी सकते हैं। तो अगर आप ICICI Prudential लिक्विड डेट फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए Easyplan ऐप को डाउनलोड करके आज और अभी इस फंड में आसानी से घर पे बैठे बैठे निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा या फिर Easyplan से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत